सुबह के 8:28 और ऑलमोस्ट कलर का काम ख़त्म हो गया है, बैक साइड से, फ्रंट साइड से बाकी है। एंड भैया अपनी कार क्लीन कर रहे हैं। एंड जब से अपने साथ वो कांड हुआ है ना, मतलब वो जो स्क्रैच आया था वो कोई लगा के गया था, तो तब से मैं फिर लेके नहीं जाता और अपनी स्कूटर ही वही लेके चले जाता हूँ। ये कब हो गया यार, ये शायद वापी गया था ना, तभी पत्थर उड़ा था, क्योंकि वो अगर किसी ने स्क्रैच भी किया रहता तो वो पता चल जाता, लेकिन ये कुछ पत्थर उड़ने की वजह से हुआ शायद। चलो कोई नहीं, ठीक है। बारह छः हो रहे और जस्ट अभी अपना वर्कआउट ख़त्म हुआ और अभी निकलते घर पे, और घर के बाद आपको मिलता हूँ, आई मीन फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ। तो जस्ट जिम से बाहर निकल रहा था और मम्मी का फ़ोन आ गया और आटा ख़त्म हो गया, तो फिर लेके जाना पड़ रहा है। एंड एक हाथ में बैग है और एक हाथ में आटा है 10 किलो का, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, यही तो इसीलिए तो जिम करते ना, ये सब ले जाने के लिए। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और इनोवा हटानी पड़ेगी क्योंकि कलर का काम चल रहा है और इनोवा वहाँ खड़ी है। एंड वैसे भी वो देखो वहाँ पे ऊपर वो काम कर रहा है। एंड वैसे भी हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो ये सामान रख देता और उसके बाद इनोवा यहाँ पार्क कर लेते ना, अपनी पार्किंग भी बच जाएगी। पहले ये निकाल लेता हूँ फिर इनोवा पार्क करते। गाड़ी ऑन ही रखता हूँ क्योंकि इतनी धूप है बाहर, मतलब 38 डिग्री है, तब तक कूल हो जाएगी। क्या धूप है यार, मतलब क्या हीट है बाहर, बाप रे। खाली 2 मिनट गाड़ी में बैठा और हालत देखो मेरी, मतलब तुरंत स्वेट चालू हो गया यार। तो डीजल भी भराना पड़ेगा, 83 किलोमीटर ही है, लेकिन मैं सोच रहा था एक्चुअली यहाँ से खानवेल जाने के लिए, बिकॉज खानवेल में अपने को डीजल सस्ता पड़ेगा और टैंक फुल करा लूँगा, और मुझे प्लस तलासरी भी जाना है चिकन खाने के लिए, क्योंकि वो क्रेविंग अभी तक अपनी ख़त्म हुई नहीं ना। तो ये संडे शायद जाऊँगा मैं खानवेल, और मोस्टली हम ट्राई करेंगे, फ़ोन करके पूछ लूँगा एक बार वापी में कि टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है कि नहीं है, बिकॉज अभी तक कॉल बैक या कुछ आया नहीं है, और मुझे शायद से जाना ही पड़ेगा, थाने ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ मुझे मिल सकती है। लेकिन मैं इस बार कॉल करके जाऊँगा और पहले पूछ लूँगा कि अवेलेबल है कि नहीं है रियल, नहीं तो फिर नहीं जाऊँगा, या फिर देखेंगे जब भी अवेलेबल होगी तब निकल पड़ेंगे। और अभी जा रहे हैं फार्म हाउस पे, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली मैंने एक ऑनलाइन एड्रेस भी मंगाया था अपना, जो कि 150 रुपये में मुझे मिल गया, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे 500-1000 के आसपास ही मिलता है, तो 150 में काफ़ी सस्ते में मिल गया मुझे, अभी पीछे है फिलहाल, मैं आपको बाद में बताता हूँ। और डैश कैम के लिए भी मुझे, हम लास्ट टाइम गए वापी तो डैश कैम नहीं लगा पाया क्योंकि बहुत क्राउड था, यू नो रश बहुत था और टाइम भी हो गया था। एंड फिर मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट टाइम आएंगे या तो फिर हम खुद ट्राई करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ आज खाली अनबॉक्सिंग करूँ या फिर एक बार ट्राई भी करके देखूँ, लेकिन देखते हैं अभी पॉसिबल है कि नहीं, मतलब ट्राई तो करता हूँ, एटलीस्ट अनबॉक्स करके चेक तो कर लूँ, वो भी नहीं किया मैंने अभी तक। तो सबसे मेन बात सनरूफ, इसको भी ठीक करना है, लेकिन मुझे एक टेक्निक पता चल गई है, वो फ्यूज़ एक्चुअल में कैसे निकालते हैं आपको भी सिखाता हूँ मैं, आई मीन कभी भी आपको ऐसा मेरे जैसा अगर सिचुएशन हुआ तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, शायद वर्क
वर्क कर जाए, क्योंकि मैं भी अभी मुझे भी नहीं लगता कि अभी अगर मैं भी ये ट्राई करूंगा तो हो जाएगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन लेट्स ट्राई। एंड मैं सोच रहा हूँ अंदर फार्म हाउस के अंदर नहीं जाऊँ, यहीं पेड़ के नीचे गाड़ी लगाऊँ और यहीं कर लूँ, क्योंकि मस्त छाव है और ओपन है, नहीं तो अंदर कैसा पैक पैक हो जाएगा। तो फिर यहीं बाहर करके ट्राई करता हूँ सनरूफ के लिए। सो बाहर इतनी गर्मी है ना कि मैंने अपना टी शर्ट निकाल दिया और सैंडो पे आ गया। एंड आपको बताता हूँ कि हेडरेस्ट जो मैंने लिया था अमेजोन से, ये सस्ते में पड़ गया 150 में, और क्या चाहिए। एंड ये अपना डैश कैम, तो आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि फ्यूज़ निकालने का टेक्निक और वो सब दिया हुआ था, लेकिन मैंने ना वो टाइम पे देखा नहीं और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और उसके बाद मुझे वो सब मिला। तो सबसे पहले तो आप आगे का बोनेट ओपन कर दो, ठीक है। अरे यार गाड़ी भी एकदम गर्म हो गई है, इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो गर्म ही है, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ से एक्चुअली जो है उसका निकालने का चीज़ वो यहाँ से करने वाले, तो इतना कुछ गर्म है नहीं। एंड इसको निकालने का टेक्निक मतलब पता नहीं अभी सब कंपनी की गाड़ी में होता है या नहीं होता है, पर हुंडई में मोस्टली ये लोग ऐसा देते हैं, आई थिंक सब में देते ही होंगे नो डाउट। तो यहाँ से इसको पहले एक्चुअली खोल देना चाहिए, आई मीन खोलना पड़ता है। एंड फिर आपको है ना, ये देखो यहाँ पे भी फ्यूज़ मिलेंगे, लेकिन निकालने की जो चीज़ है ना वो यहाँ पे है ये, तो इससे हम एग्जैक्टली जो फ्यूज़ है मतलब अंदर के है या बाहर के, तो मुझे नहीं लगता कि वो इजीली निकलेंगे, लेकिन ये जो छोटे वाले ना उसके लिए स्पेशली इन लोगों ने ये दिया है, मतलब हुंडई वालों ने, तो हम इससे अभी निकाल के वो निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये इतना इजीली निकल गया, मतलब मैं उस दिन लिटरली इतना ट्राई कर रहा था और हो ही नहीं पाया। तो ये एक्चुअली इसमें कार्बन कहाँ लगा है पता नहीं, लेकिन इसको क्लीन करके फिर से लगा के देखता हूँ होता है कि नहीं। सो मैंने ऊपर ही ऐसे क्लीन करके देख लिया, अभी देखते ट्राई करके होता है कि नहीं। वाह, फ्यूज का ही प्रॉब्लम है, अभी देखो कितना इजीली ओपन हो गया। चलो नेक्स्ट टाइम से अपने को पता तो रहेगा एटलीस्ट फ्यूज कैसे निकालते हैं और कहां से कैसे क्या करते हैं। एंड चलो हो गया फाइनली। तो भाई ये बहुत काम की चीज है, मतलब नसीब की मैंने यूट्यूब पे देख लिया, नहीं तो फिर से मुझे पामना पड़ता था कहीं दूर। इसको फिट और बोनेट को भी बंद कर देते। एंड सिर्फ 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट हुए और मैं देखो पूरा पसीना पसीना वाला हो गया, मतलब इतना हीट है बाहर और इतनी धूप है कि 5 मिनट सबसे पहले तो मैं जाके गाड़ी में बैठ के एसी में बैठ जाता हूँ, नहीं तो मेरी हालत तो ख़राब हो जाएगी। तो जब तक कूल हो रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ हेडरेस्ट लगा लेता हूँ। सो क्वालिटी तो बढ़िया लग रही है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है मुझे। चलो आ गया परफेक्टली। सो अभी फिलहाल तो मेरी हिम्मत हो नहीं रही है बाहर जाके इसको ओपन करूँ, तो मैं यहीं गाड़ी में बैठ के इसी में अच्छे से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने लिया था 70mi डैश कैम, तो ये मुझे एग्जैक्टली पड़ा था कुछ 8,500 के आसपास डिस्काउंट लेके जो भी है, और ये उसके साथ फिर मैंने मंगाया इसके 1000 या 1100 समथिंग कुछ तो भी है इसकी प्राइसिंग, 128 GB। और ये है CPL फिल्टर। ये CPL फिल्टर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, सोच लो मेरे ऐसे मोबाइल रखा है ना, तो ये जो रिफ्लेक्शन है अभी गणेश जी का यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो वो उसको ये कवर करेगा, इसके लिए ये मैंने मंगाया। और ये अभी i20 का मिरर विंडशील्ड ऐसा है ना कि वो ज़्यादा स्लोप है ऐसा, तो ये सब चीज़ें ना पूरा आगे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो चीज़ बचाने के लिए मतलब वो नहीं दिखाई दे इसके लिए ये फिल्टर मैंने मंगाया। और देखते हैं अभी इसका क्या मतलब रियल में यूज़ है या नहीं है। तो इसको अनरैप कर लेते हैं पहले एंड चेक कर लेते कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको लाए मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए एंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने उसको लगाया ही नहीं, चेक भी नहीं किया।
सो यहाँ पे इसकी वायरिंग वगैरह दी है। ये बॉक्स में यहाँ पे कैमरा है और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, खाली वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगे। तो ये है कैमरा, तो ये रियर भी है और फ्रंट दोनों है, लेकिन मैं रियर का शायद ही लगाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता रियर का मुझे इतना यूज़ होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे नेट लगाई हुई है तो वो तो वैसे भी दिखेगा नहीं। एंड ऊपर से हमारे पास यहाँ पे भी तो कैमरा है, आई मीन बैक कैमरा हम ऑन कर सकते, तो शायद ही ये लगाऊंगा। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ जो सीन हुए थे तो वो मैं कैसे है ना, एक तो ड्राइव भी करूँ और हाथ मतलब ऊपर से मैनुअल है अपनी, एक हाथ में स्टेयरिंग और एक हाथ में फिर मोबाइल और फिर गियर चेंज करने का टाइम आता है, तब भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा, मतलब व्लॉग के लिए। एंड नो डाउट जो भी इंसिडेंट होगा या एक्सीडेंट जब भी होने वाला कुछ भी होगा तो वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, तो वो भी एक बेनिफिट था। एंड इसीलिए मैंने इतना महंगा मंगाया, आई नो ये ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने सोचा देखो ये आई मीन व्लॉग बनाना भी है और क्वालिटी भी चाहिए, तो आई थिंक ये बेस्ट था तो मैंने ये मंगवा लिया। एंड ऑन करने से पहले ये एसडी कार्ड डाल देते जो कि मैंने सैमसंग का मंगाया था कुछ 1000 रुपये के आसपास। सो केबल वगैरह जो भी है वो तो मैंने लगा लिया, लेकिन अच्छी खासी इन्होंने केबल दी है, मतलब यहाँ से इसे पीछे भी ले जा सकते हो और यहाँ से मतलब ज़्यादा कहीं घुमाना भी होगा तो घुमा सकते हो। तो फिलहाल तो USB लगा के चेक कर लेते एक बार ऑन होता है कि नहीं, तो लाइट तो आ गई है। चलो चालू तो है, अब इसको सेटअप कर लेता हूँ बिकॉज इसका एप्लीकेशन वगैरह सब आता है तो वो डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर एक बार ट्राई करके देखता हूँ, लगता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको कहीं एसेसरीज वालों के पास लेके जाना ही पड़ेगा लगाने के लिए, लेकिन एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगा मैं। सो कुछ ऐसी क्वालिटी है, फिलहाल तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ। एंड ये जो है ना इसको हम घुमा भी सकते हैं, मतलब जो डायरेक्शन में हमें रखना है वो रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो CPL फिल्टर लगाना भी है, वो भी लगा के एक बार देख लेता हूँ। So, जैसे कि देख सकते हो क्वालिटी एकदम मस्त आ रही है। मेरे ख्याल से CPL फिल्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी पता नहीं, हम धूप में रहेंगे तभी मुझे लगता है पड़ेगी, लेकिन फिर भी लगा के रखता हूँ ताकि टेंशन ना रहे। सो एक चीज़ तो मैंने अभी देखी, इन्होंने कनेक्टर भी दिया है साथ में, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है, लेकिन देखते हैं अभी कनेक्टर के साथ लगाना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले इसको तो फिट करें हम अच्छे से। सो बहुत ही अच्छे से पैकिंग दिया है और साथ में वाइप्स भी दिए वेट और ड्राई ताकि कैमरा क्लीन हो और उसके बाद जब इसको फिट करें बहुत ही अच्छे से रखा है, फिर इसके बाद इसको लगा दें। सो लगा दिया CPL फिल्टर और सबसे पहले तो ये केबल वगैरह जो यूज़ नहीं है उसको अच्छे से रख देता हूँ और ये सब है ना साइड में कहीं तो भी रख देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ कचरा हो गया है। तो बिल्कुल एक घंटे के बाद मैंने YouTube पे सर्च कर करके उसके बाद मुझे टेक्निक पता चली एग्जैक्टली ये जो पिलर है ये इसको ओपन कैसे करते हैं, मतलब प्रोफेशनली अगर आपको वहाँ से कैमरा का वायरिंग करके यहाँ लाना है और यहाँ से फिर अंदर की तरफ से नीचे से ले जाके वहाँ लगाना है, ओपन कैसे होगा वो मैं जस्ट अब भी सीखा मैंने। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ओके ये निकल गया, उसके बाद आप यहाँ से सो इसको यहाँ से ऐसे एक सेकेंड सो जस्ट अभी मैंने ये इसको ओपन किया यहाँ से ऐसे खींच के, जो आवाज़ आया ना और मेरी फटी है ना कि कहीं टूट ना गया, लेकिन नहीं कुछ टूटा नहीं है, बस यहाँ से ये ओपन करना है फिर यहाँ से हम ऐसे वायरिंग करेंगे, यहाँ से अंदर ऐसे डालेंगे और फिर वहाँ कैमरा तो बाद में फिट करते पहले वायरिंग कर लेते। और मैं लगाऊंगा तो यहाँ ये साइड लगाऊंगा, ड्राइवर की साइड लगाऊंगा। सो डैश कैम वालों ने ये एक स्टिक दी है जो कि आप यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ इसको पुश कर सकते हो। सो ये केबल प्रॉपरली अंदर की तरफ चले जाए, जहाँ जहाँ ऐसे दिक्कत लग रहा है वहाँ यू कैन यूज़ दिस। सो ये अंदर चले जाएगा, अभी फ़िलहाल मैं पूरा लगा लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। देख रहे हो मेरी हालत, कसम से इजी नहीं है, मतलब जितना मैंने मतलब मैं कर सकता था उतना मैंने कंप्लीट किया और फिनिशिंग जितना हो सकता था उतना अच्छे से दिया मैंने, मतलब केबल आपको दिखेगा भी नहीं, खाली ये यहाँ पे दिखेगा क्योंकि बट ऑब्वियस वो नीचे से यहाँ से मैं घुमा के लेके आया हूँ और यहाँ पे अंदर करने के लिए कुछ है नहीं फिलहाल,
लेकिन इट्स ओके, इतना तो कोई नोटिस नहीं करता। बाकी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर है, सिर्फ कैमरा लगाना रह गया। अब लगाता हूँ इसको मैं अच्छे से प्रॉपरली। तो फाइनली बिल्कुल 4:30 बजने हैं और अब भी जाके ये फिनिश हुआ लग के, देखो चालू है। और कुछ ऐसा व्यू है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा तो दिख ही रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैनेज तो करना पड़ेगा। अब लगा लिया, क्या कर सकते। एंड सामने से बताता हूँ आप कैसा लगता है। एक्चुअली मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। ऐसा है कि दिखना नहीं चाहिए एक्चुअली, आगे क्या हो रहा है तो फिर पता चल जाएगा ना। क्योंकि मोस्टली कैसा है, जब भी चेकिंग का पॉइंट आता है ना, तब तो हम अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते ना, तो ये अपने को काम देगा वो टाइम पे। एंड अभी जब फार्म पे आए गए तो अंदर से क्लीन करवा ही लेता हूँ, बाहर से तो ठीक है लेकिन अंदर से थोड़ी गंदी हो गई है और बहुत टाइम से क्लीन भी नहीं किए, तो अंदर से एक बार क्लीन कर लेता हूँ। सो अंदर से क्लीन करना तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, फटाफट हो जाता है, लेकिन जो बाहर का होता है, मतलब ये सब, और ये कैसा है डोर बंद होने के बाद वॉचमैन को भी दिखता नहीं क्लियरली, तो ये तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। अंदर से साफ करते करते मेरी हालत खराब हो गई, अब बस बाहर से रह गया। अंदर के जो मैट है वो मैंने सुखाने के लिए रख दिए, जो ऑलमोस्ट सूख ही गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है, सूख जाएगा फिर लगा देते अंदर। सो हो गया एकदम क्लीन, और तो अभी फिलहाल मैट लगा लेते हैं। कर दिया एकदम क्लीन और कार ऑन रखी है, बिकॉज बाहर इतनी धूप, धूप है और एकदम हीट है, इस रीज़न से मैंने कार चालू रख दी है, क्योंकि थोड़ा अंदर कूल रहे क्लाइमेट जब भी अंदर जाऊँगा। एंड एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसके मैकवील है ना ब्लैक कर दूँ, और आगे के जो कैलिपर है, बिकॉज पीछे तो डिस्क ब्रेक है नहीं, ड्रम ब्रेक है, और पता नहीं यार लड़खड़ा रहा हूँ यार फिर से, तो पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक है और आगे जो है डिस्क ब्रेक है, और उसके कैलिपर जो है मैं सोच रहा हूँ कि उसको रेड कर दूँ, क्योंकि पूरा मैकविल ब्लैक और वो रेड कैलिपर, एंड वैसे भी ब्लैक एंड वाइट का अपना कॉम्बिनेशन है, तो कैसा लगेगा। एंड मुझे लगता है धीरे धीरे ना मैं कार पूरी ब्लैक करने वाला हूँ, ऐसा मुझे ही लग रहा है, फील आ रहा है। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगेगा, लेकिन शायद से तो अच्छा ही लगेगा। एक्चुअली ये मैं बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन नई नई गाड़ी थी तो हिम्मत नहीं हुई वो करने की, लेकिन अभी शायद मैं तो करूँगा, एक दो महीने में मैं कर लूँगा, ये ब्लैक कर लूँगा मैकविल और रेड कैलिपर कर दूँगा, देखते अभी। तो तब तक डैश कैमरे का क्वालिटी चेक कर लेते और साउंड भी चेक कर लेते, माइक भी चेक कर लेते कैसा आ रहा है। तो घर पहुंचते ही पहले इनोवा निकाली, वहां रखी, और अभी अपनी कार पार्क कर रहा हूँ। मतलब यार बहुत झंझट है, सो एग्जैक्ट 6:04 और जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे। एंड आज का दिन बहुत हेडेक हो गया, नहीं क्योंकि वो डैश कैम लगाने में, सनरूफ करने में, पता नहीं कब तीन घंटे तो ऑलमोस्ट हो गए अपने को, और उसके बाद क्लीन भी कर लिया। चलो कोई नहीं, गए तो गाड़ी भी क्लीन कर ली और सब चीज़ें भी हो गई फाइनली, अभी कुछ काम रह नहीं गया अपने गाड़ी में। एंड जो एक काम है वो टाटा हैरियर टेस्ट ड्राइव का, जो कि हमको कहीं मिला नहीं, अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट संडे को जाऊंगा शायद वापी फिर से, लेकिन पहले कंफर्मेशन ले लूंगा उन लोगों से कि कार अवेलेबल है कि नहीं है। और तलासरी भी बीच में तो एक होगा ही अपना, एक क्योंकि खाए बिना तो नहीं जाएंगे ना, या तो फिर रिटर्न में ले लेंगे। चलो कोई नहीं, देखते। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।